सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और हम सभी लोग रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने के लिए, ये बहुत प्यारा पवित्र संबंध है, रिश्ता है, ये त्यौहार है, बहन भाई का पवित्र रिश्ते को बड़ा सुंदर बनाता है। इस दिन बहन राखी बांधती और भैया की जीवन की रक्षा के लिए, यश वैभव के लिए प्रार्थना करती है और अपनी बहन अपने भाई से आशा भी रखती है कि मेरा भाई मेरे मान सम्मान प्रतिष्ठा इन सब की रक्षा करेगा। ये बहुत सुंदर त्यौहार है रक्षाबंधन का। आप सभी को अभी से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। पर एक और समस्या इस वाले रक्षाबंधन में आ रही है। लोग कह रहे हैं रक्षाबंधन 31 का है कि 30 का है। रीजन ये है कि 30 तारीख को 10:56 से पूर्णिमा शुरू हो रही है और समस्या ये आ रही है कि जब से पूर्णिमा शुरू हो रही है उसी समय से भद्रा लग रही और भद्रा लगने के कारण भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाया जा सकता। 31 तारीख को कुछ ही देर के लिए पूर्णिमा है, जितनी देर के लिए पूर्णिमा है उस मुहूर्त में 31 तारीख को रक्षाबंधन नहीं मनाया जा सकता, तो बड़ी समस्या हो गई। अब समस्या यह है कि तो क्या रक्षाबंधन नहीं मनाए, मनाना है, पर कब मनाए, उस शुभ मुहूर्त क्या है, जिस मुहूर्त में आप राखी बांधेंगे अपने भाई को वो 9:02 से 11:13 तक ये रक्षाबंधन का त्योहार राखी बांधने का अपने भाई की कलाई पर शुभ मुहूर्त। क्यों? क्योंकि जो भद्रा है वो 9:01 पे समाप्त हो रही है, 9:02 पर ये समाप्त होगी तो आप इसको शुरू कर सकते हो उसके बाद, लेकिन 11:13 तो ये जो लगभग 2 घंटे 11 मिनट का टाइम है हमारे पास, तो ये 30 तारीख को ही आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है, लेकिन सुबह की बजाय आफ्टर 9:02 के बाद ही हम ये मना सकते हैं। तो इस मुहूर्त को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता दें जिससे समय पर लोग रक्षाबंधन, और हाँ शुभ मुहूर्त में त्योहार मनाना ही हम सबके लिए शुभ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।